हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 19 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डील करने वाले हैं, जो भी न्यूज़ में भी था और ये यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस पेपर 2 को उठाकर देखोगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस और यू नो इंडिया का बायलेटरल रिलेशनशिप्स, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन रिसेंटली, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर इन न्यूज़, बेसिकली यू नो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज द इंटरनेशनल रिलेशनशिप इज़ कंसर्न बेसिकली। सो आज हम इसी तरीके से बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, हम बात करने वाले हैं I2U2 समिट के बारे में। व्हाट इज़ I2U2 समिट, हाउ डिड इट टेक प्लेस, व्हाट एग्जैक्टली I2U2 मीन्स, कौन कौन से देश हैं इसमें, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द समिट, एंड व्हाट द यू नो I2U2 बेसिकली वॉन्ट्स टू लीड टू द वर्ल्ड, यू नो क्या वो देना चाहती है पूरी दुनिया को, उसे इंडिया को क्या बेनिफिट है। सो हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव में I2U2 इनिशिएटिव को डील करेंगे। देखिए, जब भी IR के क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव डील करना पड़ता है, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चर कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, एक कंट्री के इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो इंडिया और यू नो अदर कंट्री जिनके साथ हम I2U2 में इनिशिएटिव हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहा है और आने वाले समय में और कैसा उनका यू नो उनके साथ हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो प्लीज़ शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। देखिए, I2U2 को समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे I2U2 का मतलब क्या हुआ, I2U2 में चार देश हैं, I2 और U2 में चार देश हैं। कौन कौन से? I से इंडिया और इसराइल, दो हो गए, और यू से संयुक्त अरब अमीरात, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, एंड USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ गए आप चार देश कौन कौन है। आपके सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये इसमें से कौन सा देश भारत और ना मतलब I2U2 में इसमें से कौन सा देश एक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए I2U2 में कौन कौन सा देश है। इसको मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहा जा रहा है, बेस्ट एशिया क्वाड भी कहते हैं, आपको पता है इस रीजन को बेस्ट एशिया बोलते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री को जहाँ पे यू नो इसराइल और UAE का है वहाँ प्रेजेंस, वहाँ पे हम कहते हैं कि मिडिल ईस्ट क्वाड। एक किसी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग CDS पेपर 2 में पूछा गया था लास्ट ईयर कि मिडिल ईस्ट क्वाड न्यूज़ में था। अभी देखिए, I2U2 लास्ट ईयर न्यूज़ में क्यों था और क्यों इसको पूछा गया लास्ट के पेपर में बताता हूँ। इसकी जो बेसिकली यू नो इसका जो सपना देखा गया था I2U2 को, लास्ट ईयर अक्टूबर में ही देखा गया था, अक्टूबर में जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी चार देशों की। सो उन्होंने ऐसा डिसाइड करा कि हम एक ऐसा यू नो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी ग्रुपिंग का वो यू नो सेटअप करते हैं जिसमें ये चार देश रहेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स एज वेल। सो ये समिट उस टाइम पे अक्टूबर 2021 में सोची गई थी और 9 महीने के अंदर ही एक सेटिंग, एक पूरी की पूरी सेटअप हो गई वर्चुअली, इसको एड्रेस करा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो उन्होंने क्या क्या कहा, क्या आउटकम्स आए, वो भी हम बात करते हैं। देखिए, I2U2 जो बेसिकली है वो 6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे हेल्थ हो गया, एनर्जी है, सिक्योरिटी है, स्पेस है, यू नो उसके अलावा फूड सिक्योरिटी है, उसके अलावा हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, ये 6-7 सेक्टर जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है I2U2, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कहा है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको समझना कि इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप, इंडिया UAE का रिलेशनशिप, USA UAE का रिलेशनशिप, USA इसराइल का रिलेशनशिप, इंडिया USA का रिलेशनशिप, ये 6-7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम इसमें समझने के लिए चीज़ों को। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस इनिशिएटिव के थ्रू प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, हम प्रैक्टिकल एक दूसरे की तरफ अप्रोच ज़्यादा रखेंगे कि कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे हमारी इनिशिएटिव आगे बढ़नी चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। इसके अलावा ये सोचा गया कि भारत का जो टोटल आउटकम देखा जाए इस रीजन में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप पिछले 10-12 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इंडिया एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था कि इंडिया UAE के साथ भी और इसराइल के साथ भी रिलेशनशिप रखता है और पलस्तीन के साथ भी रिलेशनशिप रखता है। सो वी आर मेंटेनिंग अ वेरी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, सो देयर इज इट्स अ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। अगर हम बात करें तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई और देश हमारे फॉरेन पॉलिसी को इंटरफेयर करे, हमारी जैसे फॉरेन पॉलिसी सेफ कर रही होगी हम करेंगे, चाहे पलस्तीन के साथ हो, चाहे इसराइल के साथ हो, चाहे UAE के साथ हो, सबके साथ हम बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि UAE और इसराइल कैसे एक साथ आ गए। देखिए, लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जब जा रहे थे, उनका जब वो ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जब उनका प्रेसिडेंट उनका टेंडर ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिए थे, जैसे अब्राहम एकॉर्ड करके एक साइन हुआ था जिसमें UAE ने इसराइल को रिकग्निशन दी थी, बहरीन ने इसराइल को रिकग्निशन दिया था, मोरक्को ने इसराइल को रिकग्निशन दिया था, सहारन जो आपका रीजन है वहाँ से सूडान जो है उसने भी एक रिकग्निशन दिया था, और इनके बीच जो टोटल रिलेशनशिप, देखिए अरब कंट्री और इसराइल का रिलेशनशिप हमेशा से जीव और इस्लामिज्म के बीच में फंसा रहता है, तो उस वजह से ठीक है पलस्तीन का इशू रहता है बीच में, इस वजह से नहीं होता ठीक,
पर इन सब देशों के बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, एक ही रीज़न है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कई बार अपने यूपीएससी स्क्रीनशॉट ट्विटर प्रोफाइल पे कि इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है। अब यूएई को देखो आप, यूएई पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करता है, पर उसको पता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रेजेंस बढ़ने वाली है, फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कमने वाला है, तो वो अपनी इकॉनमी को डाइवर्सीफाई करना चाहता है। तो अपनी इकॉनमी को डाइवर्सीफाई करने के लिए उसको इसराइल के साथ, इंडिया के साथ, यूएसए के साथ, इन सब देशों के साथ सेटअप करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये होगी यूएई की इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहता है यूएई, अपना चाहता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाए, अपनी प्रेजेंस बढ़ाए क्षेत्रों में। ऐसा ही एक आउटकम निकल के आया जब $2 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर। फूड प्रोसेसिंग पार्क जो हमारे देश में बनते हैं, जो गुजरात में बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें $2 बिलियन का उन्होंने एक ऐसा बोला है कि वो इंटीग्रेटेड फूड पार्क, एक पूरी पूरी फूड चेन फूड पार्क बनाने का वो ट्राई करेंगे। और इसके अलावा अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर और इजरायली प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए ये तो बात हो गई यूएई की। अगर आप इसराइल को देखो तो इसराइल के लिए रिकग्निशन बहुत मैटर करता है। इसराइल पूरी दुनिया में चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस वजह से वो अपने आप को दुनिया के ग्लोबल प्रेजेंस लेवल पर लाना चाहता है, तो इसलिए इसराइल का तो आना निश्चित ही था। बात आती है इंडिया के यूएसए के पर्सपेक्टिव को आप हमेशा ध्यान रखो, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमिक माइटी और स्ट्रेटजिक माइटी को पूरा करना चाहता है वो, नथिंग मोर देन दिस। ईरान को बहुत हद तक कवर करना चाहता है, चाइनीज प्रेजेंस को रोकना चाहता है, सो वो अपने आप को डाइवर्सीफाई करना चाहता है। पूरा खेल होता है इंडिया का। इंडिया का रिलेशनशिप को अगर आप देखो इन तीन देशों के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने इसराइल के साथ आपको बताया, यूएई के साथ मैंने बताया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिना है उसमें हम बहुत अच्छे हैं कि वो इंडिया और यूएई का जो डायस्पोरा रिलेशनशिप है, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं यूएई में, सो मच इंडियंस दे, मतलब सो मेनी इंडियंस दे लीव इन यूएसए, यूएई बेसिकली बहुत सारे इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, यूएसए में और यूएई में और इसराइल में, तीनों जगह पे। पर यूएई और इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसको डायस्पोरा ने बहुत हद तक चेंज करा है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार इंडिया से, जब कोई प्रधानमंत्री पहली बार इसराइल की धरती पर कदम रखे थे, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये गए थे तो इन्होंने एक बात कही थी, आप वो स्पीच सुनना 2000 वाली, 2018 में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तब वो गए थे, आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग द राइट आंसर वो क्या था, पर जब ये गए थे ना तब उन्होंने एक बात बोली थी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर इन्होंने कैसा टर्म दिया था जो मैंने अपने पेपर्स में बहुत यूज़ करा है। आई स्क्वायर टी स्क्वायर का मतलब होता है इंडियन इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली टेक्नोलॉजी, मतलब समझ रहे हो, आई स्क्वायर इंडियन इंटेलिजेंस इजरायली टेक्नोलॉजी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर, समझ रहे हो, ऐसे करके उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि इजरायल की जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया का जो इंटेलिजेंस है, इजरायल का जो इंटेलिजेंस है, इंडिया का जो पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है, ये आई स्क्वायर टी स्क्वायर से चलता है, ठीक है। इजरायल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप हमेशा याद रखना, इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायल का प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये बात हो गई अभी वैसे के साथ जैसे मैंने आपको बताया। और एक और चीज़ होती है यूएई के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो आज तक काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएई का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा है कश्मीर के प्रति वो बहुत अच्छा होते जा रहा है। जैसे हमने जब 2019 में एक स्टेप लिया था 370 को हटाया था, तब GCC में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहुत हद तक क्यों समझा था, बहुत लोगों ने, पाकिस्तान ने बहुत लॉबी करा था, पर यूएई वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने भारत का इस मूव का सपोर्ट करा था, भारत को बोला था कि नहीं इट्स अ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कई बात हो गई। और इंडिया और यूएई मिलकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे देश मिलकर चाहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी इनसिक्योरिटी आने वाले देशों में बढ़ेगी, आने वाले समय में बढ़ेगी, उसको और भी फोकस किया जाओ। और इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप क्वाड के वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो बहुत सारे पहलू पर आप देखोगे ना तो इंडिया का जो एफर्ट है वो कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और इन सब क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको पता होगा इंडिया और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, अभी हाल ही में साइन करा है, लास्ट ईयर जो फरवरी में आ गई थी फोर्स में आ गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया और यूएई का अभी एक करंट अफेयर्स बन सकता है। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरेबिया का भी एक बहुत अच्छा अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, इंडिया और इसराइल का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो आप सोच के देखो, अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन सी से यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक हम लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, और यूएसए के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा से रहा है और बहुत अच्छा ट्रेड हमारा यूएसए के साथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। कुछ और बातें जैसे 300 मेगावाट
हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात में सेटअप करने की बात की गई यूएई के द्वारा। तो यूएई की जो यूएई में जो पैसा है, आपको पता है यूएई में कितना पैसा है, इसराइल में कितना पैसा है, यूएसए में कितना पैसा है, इन सब में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। इस सारे देश दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड, सबसे अच्छी डेमोक्रेसी, सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साथ मिलकर कॉपरेट करना चाहते हैं। आप बात को समझ रहे हो, दिस इज हाउ दे वॉन्ट टू कॉपरेट विद द कंट्री लाइक इंडिया। एंड इंडिया प्रेजेंस इन ऑल द रीजन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, सारे क्षेत्रों में प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। सो ओवरऑल I2E2 इनिशिएटिव के बहुत सारे मकसद है, इकोनॉमिक प्रेजेंस है, चाइनीज को रोकना है, फिर उसके अलावा एक कॉपरेशन बढ़ाना है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल कॉपरेशन जहाँ पे बात की गई मैंने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो मैंने आपको बताया I2E2 इनिशिएटिव के बारे में, I2E2 समिट के बारे में, जो आउटकम्स निकल के आए वर्चुअली। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था UPSC स्क्रीनशॉट पे कि कौन थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री ऑफ इसराइल जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो आप कौन सा याद रखना है, यार लेपिड, ना तो बेंजामिन नेतन्याहू, ना ही नफ्ताली बेनेट, ना ही बेनी गैंज, यार लेपिड। अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, लगातार 2-3 साल से इलेक्शंस हो रहे हैं इसराइल में, कुछ स्टेबल गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है, तो यार लेपिड उसका आंसर है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बन सकता है इस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ I2E2 इनिशिएटिव। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द चैनल, एंड ज्वाइन माय UPSC स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर प्रोफाइल, BPSC फेयरवेल ऑन टेलीग्राम। आपको सारी चीज़ें का लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।